एक शो था झलक दिखलाजा सोनी पे उसकी एक थोड़ा बताइए ना क्या 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 मैंने <laughs> उसका प्रोमो देखा और वीडियो भी देखे भाई चलता शो में से ये लड़की माइक पकड़ के ऐसे ऐसे करने भाई वो <laughs> मतलब वो कैसे अभी सोच सोच के होता है कि मैं क्या क्या कर चुकी हूँ भाई इसके लिए सब मेरे लिए कभी नहीं, 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 नहीं किया मैंने हमेशा याद रखे आपको पता इसने क्या किया झलक दिखला जा जिसमें आपको नमस्ते करनी थी जिसमें मुझे नमस्ते करना था करेक्ट उसी एपिसोड में गोविंदा जी को गेस्ट बुलाया अब मामा सामने बैठे हैं माधुरी जी सामने बैठी है रेमो बैठा हुआ है और मैं इधर और डांसर ऐसा भी नहीं कि एक तो होता है कि फालतू डांसर है उसको निकाल दिया मैं डांसर और साथ में कंपटीटर बहन रागिनी अच्छा रागिनी भी थी भास्कर भारती वाली करेक्ट भास्कर भारती से रागिनी सुशांत सिंह राजपूत मैं अंकिता, अंकिता लोखंडे अपनी अरे अंकिता तब की चावल है हमारी अंकिता ने तो कॉमेडी सर्कस भी तो किया है अंकिता तो डी पे भी आती थी ब्लैक एंड व्हाइट में पढ़ती थी गोला उन्होंने आपको निकालने का प्लान था वो भी मामा के सामने मामा के सामने अब क्या हुआ उन्होंने एलिमिनेट तो हो गया मैं एलिमिनेट आज जाते हैं और वो था सुमित राघवन एंड मोना सिंह हाँ मोना सिंह और वो आज कृष्णा एलिमिनेट पे आई थी नहीं ये तो सही अब, पे थी क्लोज मैंने चिची मामा की तरफ देखा मैंने कहा मैं एलिमिनेट हो गया कैसे कैसे उनको भी था कि <laughs> ये क्या वो भी देखा? अब वो भी क्या है ना बिकॉज उनका स्टार्डम ऐसा है कि वो कुछ क्या बोलेंगे वो और वो बदतमीजी तो कर नहीं सकते उनके लेवल पे और उनको था कि चल जो भी होगा ठीक है उनको था कि यार चल मेरा वो है जिसके लिए क्या बड़ी बात है छोटे मोटे शो है वो ऐसे सोच रहे होंगे तो भी उन्होंने कोई रिएक्शन नहीं दिया तो और ऊपर एक फ्लोर होता था उसमें झलक में ना ऊपर एक एक होस्ट ऊपर होता था हवा महल ऊपर से रागिनी मेरे को देख रही है मैंने सोचा मेरे साथ वो आ गया वो माधुरी जी ने बोला ब्रेक ले लो उनको भी ला इतना अच्छा डांसर निकाल दिया वो बोलती है लेट्स एक ब्रेक थोड़ा सा प्लीज आप डांस करना चाहेंगे माधुरी जी के साथ उन्होंने बोला था एक मोमेंट बना लेना मैंने कहा नहीं हाँ जाते वक्त होता ना एक एक मोमेंट मैंने कहा नहीं मेरे को नहीं नाचना क्योंकि तो मैं अपसेट हो गया इतने में मेरे स्टाफ ने घर पे कॉल लगा दिया के वहां से सेट पे के बारह मिनट में पहुंची मैं कृष्णा एलिमिनेट हो गया इतने में माधुरी जी ने ब्रेक ले लिया और ऐसे ही सब बैठे रहे कोई खा रहा था ऐसे में चालू हो गया फिर एपिसोड हां फिर एपिसोड फिर से रिज्यूम हुआ फिर मोना सिंह ने माइक लिया आ, तो अब हमारे बीच और मैंने से देखा सीढ़ी चढ़ते कश्मीरा को ऐसे हाई स्पीड शॉट में चलता टेक सोनी टीवी का शो चल रहा है शूट चल रहा है झलक निकला जा स्टेज पे और ये आई मोना सिंह ने बोला अब आपके सामने से मिला 1 मिनट उसने माइक छीना सोनी वालों गलत काम किया है तुमने अब मामा सामने बैठा हुआ सोचो अरे भाई साहब भाई साहब मैंने तो क्या हो गया बोलती गलत किया है तुम लोगों ने गलत करते अच्छे अच्छे आर्टिस्टों को शो से ऐसे तुम लोग टीआरपी के लिए निकालते हो अब आना तुम कॉमेडी सर्कस के लिए मैं दूंगी नहीं, नहीं लड़का तुमको बाप रे ये लड़का जो खड़ा रहा आ जाओ पैर पढ़ने के लिए ऐसे बोला मैं हाँ, तब कॉमेडी सर्कस में भी नहीं कुछ तो बड़ी बात बात कोई अरे मैं हिल गया हां ये भी? मेरे को हाथ पकड़ के लेके गई गाड़ी में बिठा के मैंने बोला तूने ऐसा कर दिया चैनल को ये क्या जवाब दूंगा बोलती है तू फिकर नहीं कर मैंने तेरे को क्या बोला तू टैलेंटेड है शो नहीं बनेगा तेरे बिना मतलब अब अब अगर हम एकदम ही स्ट्रिक्टली बायस ना बायस होके हम देखें ना तो बात है कि आपने सही बोली थी बट

You know, obviously मेरा है बच्चा नहीं है लेकिन मैं इसको बच्चे की तरह भी प्यार करती और 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 उसका दिल क्योंकि इसने बहुत मेहनत की थी में। और अच्छा डांसर था। और डांसर डांसर था बेकार को के आपने अच्छे करतेमोशनल वेरी इमोशनलता है ये मतलब नहीं है कि आप छेड़ो हम इमोशनल क्यों है इमोशनल इसीलिए क्योंकि जिस चीज के लिए आप बहुत मेहनत करो ना कि आपको और दिल लगा रहे कि नहीं यार मैं करूंगा और ऐसे बंदे को जवाब बोलते ना और पता क्या होता है कभी कभी मैं नहीं कहता चैनल वाले ऐसे होते हैं या कुछ इस एवरीबडी इज डूइंग बिजनेस उनको लगता है कि चल इस इस पॉइंट तक ठीक था क्योंकि मैं कॉमेडी सर्कस भी तब चलाते थे हम लोग उनको था कि ऐसा ना हो कि बंट जाए ये हो जाए उनको वो भी शो देखना था। हाँ तो वो बैलेंस करते थे कि इधर तो से दो क्योंकि उधर पे नहीं पहुंच पा उसको रहा है हाँ। हो उनका कि ये तो उनका भी अपना होता है तो लेकिन हम क्या मेहनती वाले मुझे कृष्णा को एलिमिनेट किया गया वो अपसेट है एलिमिनेट है एलिमिनेशन प्रॉब्लम नहीं अपसेट ये हो ये सुन के जो मैं गाड़ी में मेरे पास ड्राइवर नहीं मैं था मैं बता दूं कृष्णा आप, आपकी मम्मी बचपन में चली गई थी ऐसी माँ होती है जो अपने बच्चे के लिए लड़ती है ना कि मेरे को घंटा फर्क नहीं पड़ता कि इसने ये किया ऐसी माँ होती है ये आपको आप कभी मत बोलना कि आपको माँ का प्यार मिला सच में माँ तो मुंह नोच लेती है है ना नहीं और और हम नीचे कभी मिलते थे या कभी हम बात करते रहते हम आपकी बहुत बात करते हैं कि घर कैसे चलाया जाता है पता है क्या होता है हम ना बहुत बार देखते हैं कि यार कश्मीरा का ना एक अलग आ, नजरिया है हम ऑडियंस अलग अलग नजर से देखते हैं कश्मीरा को बट जो आप घर नहीं, चलाते हो अभी सारी बातें सुन मेरे को इतना पता नहीं कश्मीरा के बारे में बट मैं आप सुन रही हूँ कि यार मतलब शायद ये लड़ाई ना हर्ष की मम्मी कर पाएगी मैं नहीं मैं तो थोड़ा हस्बैंड चुप हो जाऊंगी बट ऐसी फाइट ना हमेशा एक माँ करती है निकाल दिया निकाल दिया मेरे मेरे बेटे बेटे का का दिल दिल दुख गया गया का दुखाया का कैसे हो ऐसे शो आ जाएंगे लेकिन आपने मेरे बेटे का दिल दुखा दिया सेम यही ना ये माँ है वो सेम माँ ऐसी होती है कृष्णा आप कभी भी मत बोलना कि मेरी मम्मी नहीं है सच में ऐसा फाइट करती है और मैं कभी हर्ष का कोई शो होता मैं डील ही नहीं कर पाती ना वो मेरी कर पाता है एक माँ ही कर पाती है और सच में ये बीवी नहीं ये बीवी ट्वेंटी परसेंट है एट्टी परसेंट तुम्हारी माँ नो डाउट अबाउट इट नो डाउट अगर आप एलओएल पॉडकास्ट के क्लिप्स देखना चाहते हैं तो इस चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब भी करें